हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पूरी। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1½ कप गेहूं का आटा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, अजवाइन, जीरा, चिली फ्लेक्स। सबसे पहले हम आटे में मसाले ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पूरी वाला डो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके बनाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अच्छे से मसल लेंगे। देखिए डो हमारा रेडी है। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। थोड़ा सा मसल लेंगे। इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे बेल लेंगे। ऑयल में डीप करना है। पूरियों को मैंने बेल लिया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। ऑयल के गरम होते ही हम पूरियों को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हल्का सा प्रेस करते जाना है ताकि पूरियां हमारी फुली फुली बने। देखिए कितनी अच्छी फुली बनी है पूरी। अब हम इसे पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे।
इस तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। पूरियां हमारी फ्राई हो चुकी है, अब चलिए इसे सर्व कर लेंगे। रेडी है मसाला पूरी। इसे आप चाय के साथ या जर्नी में बना के ले जाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।